सूफी में और एक रूहानी शख्स में क्या फ़र्क होता है क्या उस दायरे में वापस आने की कोई गुंजाइश गुंजाइश तो मरने से चंद सेकंड पहले तक भी गुंजाइश है कि आप उसमें वापस आ सकते हैं मान रहकुम मैं हूँ आपकी होस्ट दुआ मलिक वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल um, सूफ़ीज़म रूहानियत तसवफ़ तरीक़त ये सारे अल्फाज हमने अपनी ज़िंदगी में ख़ास करके आजकल के ज़माने में बहुत ज़्यादा सुने हैं हमारी मीडिया इंडस्ट्री में भी बहुत सारी ऐसी मशहूर शख़्सियात हैं जो कि अपना काम छोड़ के रूहानियत की फ़ील्ड में आ गई या सूफी की फ़ील्ड में आ गई जैसे जैसे एक सालिक एक इंसान रूहानियत की फील्ड में आगे बढ़ने की कोशिश करता है ख़ुदा को ढूंढते ढूंढते वासिफ अली वासिफ साहब कहते हैं कि जब एक इंसान खुदा को ढूंढता है तो वो अल्लाह के बंदों तक ही पहुंचता है यानी अल्लाह को जब हम ढूंढ रहे होते हैं तो अल्लाह के बंदों तक ही पहुँचते हैं ऐसे ही ढूँढते ढूँढते आज मैं बाबा जी अफज़ल के पास कराची में पहुँची हूँ इनके साथ मैं भी कुछ चीज़ें सीखने वाली हूँ और मैं चाहती हूँ कि वो सारी चीज़ें जो मैं सीखूँ आप सब भी उससे फैजयाब हों इंटरव्यू शुरू करने से पहले मैंने इनसे पूछा कि बाबा जी आपके नाम के साथ मैं क्या सूफी लगा सकती हूँ तो उन्होंने बोला नहीं सूफ़ी ना लगाना मैंने कहा क्यों तो उसका बड़ा इंटरेस्टिंग इन्होंने जवाब दिया जहाँ से मैं गुफ्तु को शुरू करना चाहती हूँ अल्लाम बाबा जी वालक मुझे बताइए कि सूफ़ी में और एक रूहानी शख्स में क्या फ़र्क होता है सूफ़ी में और रूहानी शख्स में कोई फ़र्क नहीं होता सूफ़ी तो एक अलामत है दूसरों को दूसरों को अट्रैक्शन के लिए समझ लें असल में तो वो रूह है आपकी जब पाक हो जाती है तो आप सूफी भी हो जाते हैं आप रूहानियत में भी चले जाते हैं सही बाबा जी क्या रू सबकी ही पाक हो सकती है रूह सबकी ही पाक होती है लेकिन उसके बाद जैसे जैसे आप लोग इस जिंदगी में इस जिंदगी को इंजॉय करते हो इसको इसमें अपना सफर तय करते हो जिंदगी गुजारते हो तो उसमें आप खुद फैसला करते हो कि आपने अपनी रूह को पाक रखना है या आपने अपनी रूह को पाक नहीं रखना सही ये आपके ऊपर है कि आप कितना इस दुनिया में अपने आप को उस लालच से उस परेशानियों से जो कि आपकी रूह को नापाक करती हैं आपने है। उससे कैसे बचना है यह आपने खुद फैसला करना है तकदीर असल में हम लोग जो कहते हैं ना नहीं तकदीर में ऐसा था ऐसा बिल्कुल नहीं है तकदीर सिर्फ है आपकी पैदा होने का नाम और आपके मर जाने का नाम सही ये तकदीर है जो बीच का फासला है जो बीच का रास्ता है जो बीच का सफर है उसका तरीकाकार अल्लाह ताला ने आपको बता दिया एक दायरा बना दिया उस दायरे के अंदर रहेंगे तो कभी भी आपको परेशानी नहीं होगी आपको तकदीर से गिला नहीं होगा तकदीर से गिला सिर्फ उसी को होता है जो उससे बाहर निकल जाता है उस दायरे से बाहर निकलता है उस दायरे से बाहर निकल भी अल्लाह ताला ने बड़ा लेवरेज दिया है इंसान को कि वो बाहर निकले और ज़्यादा दूर नहीं गया वो जल्दी उसको समझ आ जाती वापस दायरे में आ जाता है तो वो उसको माफ़ कर देता है वो फिर उसी उन्हीं लोगों में शामिल कर देता है उन्हीं बंदों में शामिल कर देता है जो उस दायरे में रह रहे होते हैं उस क्योंकि उस दायरे के अंदर कोई परेशानी नहीं है जब बंदा उससे बाहर निकलता है दोबारा बाहर निकलता है फिर अंदर आ जाता है वो फिर माफ़ कर देता है वो माफ़ करता रहता है लेकिन जब आप उस दायरे से बाहर निकल के वापसी की आपको घंटी भी बजती है लेकिन आप वापस नहीं आते आप और दूर निकल जाते हो फिर आपका वापसी का रास्ता मुमकिन नहीं होता मगर वो वही रू वही रूह जो है ना वो आपकी पाक नहीं रहती जब आप उस दायरे से दूर चले जाते हो तो आपकी रूह फिर पाक नहीं रहती क्योंकि आपको आपका ख्याल ही चेंज हो जाता है फिर क्या उस दायरे में वापस आने की कोई गुंजाइश गुंजाइश तो मरने से चंद सेकंड पहले तक भी गुंजाइश है कि आप उसमें वापस आ सकते हैं ठीक है बाबा जी मैंने जब से आपको पता नहीं इल्म है कि नहीं मैं आपको बताती हूँ कि क्योंकि आप ज़ाहिर है टी वी वगैरह इतना ज़्यादा नहीं देखते होंगे मैं टी वी पर काम मैंने किया कुछ छः साल सात साल, साल तकरीबन और उसके बाद जब मैं मैंने अपनी जिंदगी का ट्रैक बदला उसके बाद मेरी सोशल मीडिया पे जितनी भी फॉलोइंग है मुझे बहुत ज़्यादा सवाल ये आने लगे कि हम भी रूहानियत की तरफ जाना चाहते हैं हम क्या ज़िक्र करें क्या स्कार करें क्या रूहानियत को सिर्फ जिक्र के साथ मंसूब कर दिया गया है या वाकई रूहानियत है ही ज़िक्र एक इंसान जब इस सफ़र पे चलना चाहता है तो सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए सबसे पहला स्टेप होना चाहिए उसको सच बोलना आना चाहिए से सिर्फ और सिर्फ सच बोलना आना चाहिए जब आप सच बोलते हैं आपको किसी ज़िक्र की विद की ज़रूरत नहीं पड़ती विरद वो होता है जब आप सच बोलते हैं तो आपने जब गलत बात ही कोई नहीं करनी अगर आपने अल्लाह के मुतल सोचना है आपने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब सोचना है तो उसके बाद आपके पास फिर आपने वो सच ही सोचना है जो सच है जिस जिसपे कोई भी बंदा इस पर वो नहीं कर सकता कि उसमें कोई झूठ है या उसमें कोई फ्रॉड था या जब वो है ही सच जब आपने सच सोचना है तो यही जिक्र है कि आपको अल्लाह अल्लाह को आपने सच माना रसूल अल्लाह सल वम के जितने भी काम थे जो उन्होंने दुनिया में किए देखें रसूल सला वम सारी ज़िंदगी सच बोलते रहे एक अरसा गुज़र गया चालीस साल हो गए उनको सच बोलते हुए उसके बाद उनकी नबूवत के लिए ऐलान हुआ ठीक। और उस वक्त जो काफिर था जो उनको मानता था या नहीं मानता था वो भी कहता था कि ये सच्चे हैं क्योंकि उन्होंने चालीस साल सच बोला है और सच बोलने के लिए उन्होंने किसी भी किस्म की कोई बात ऐसी नहीं की जिसके ऊपर कोई काफर भी कह सके कि उन्होंने किसी से धोखा किया हो उन्होंने अपनी जिंदगी में सच ना बोला हो तो सच बोलने के लिए सच सच ही सब कुछ है सच अगर आप सिर्फ और सिर्फ दुनिया में सच हो जाए तो बाकी आपको किसी रूहानियत और ये असल में सच है ही रूहानियत हक है हक है सच है तो हक है हक है तो हक, है तो हक रूह में तो उसी वक्त बेदार होता है जब आप सच्चे हो जाते हैं अपने आप को सच्चे करना है बाकी ये विरद करना है ये फिर आपके शौक़ हैं सही आप जब सच बोलते हैं तो आपका दिल करता है मैं और सच बोलूँ मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि अल्लाह एक है हाँ। फिर आप कहते हैं फिर आपको शौक़ पैदा होता है कि नहीं अल्लाह तो एक है मैं इसको और कैसे इकरार करूं हाँ। फिर आप कहते हैं अल्लाह हो हर जगह मौजूद है फिर आप इसी तरह जो है ना उसको आप जिक्र कह सकते हैं मेरा तो ये फ़लसफ़ा है या मैं तो इस तरह समझता हूँ सही है सही है हक है सच है फलसफा अच्छा दूसरा सवाल जो आता है वो ये होता है कि जैसे मैंने जब यू नो काम अपनी बाउंड्रीज से जो बाहर था वो छोड़ा तो ये कहा गया कि रोज़गार का क्या होगा दुनिया के साथ कैसे चलोगी तो जो भी लोग रूहानियत में आना चाहते हैं या खुदा की तरफ आना चाहते हैं सच को जानना <coughs> खोजना चाहते हैं वो पहला सवाल ये करते हैं कि फिर मेरा रोजगार कैसे चलेगा मेरे साथ दुनिया कैसे चलेगी उन सारे लोगों को मैं बताऊं कि जो पाकिस्तान का वन ऑफ द बिगेस्ट नेटवर्क जो है दे हैव इट ही इज़ द ओनर ऑफ कनेक्ट कंपनी और ही इज़ वेरी मच इन टू रूहानियत एज़ यू नो यू कैन लिसन फ्राम हिम राइट नाओ आपने अपने काम के साथ रूहानियत को कैसे लेके चले अपनी जिंदगी में क्या दीन के साथ दुनिया को लेकर चलना मुश्किल था जो हमारे दिमागों में है असल में मेरे बाबा जी ने एक बात बताई थी उन्होंने कहा था कि अपनी दुनिया अच्छी कर लो दीन खुद ही अच्छा हो जाएगा तो मैंने उसी फलसफे पे अमल किया शुरू से ही मैंने जिस दिन काम शुरू किया था ये बहुत छोटे पैमाने पे शुरू किया था जब मैंने शुरू किया था तो मेरा जब दोस्तों से बात होती थी किसी से भी बात होती तो मैं कहता था यार मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ कुछ ऐसा सिलसिला बन जाए कुछ ऐसा निज़ाम बन जाए कि जिसके साथ लोग बहुत सारे मुंसलिक होकर रोजी कमाने लग जाए ठीक है मेरा ये मोटिव था काम शुरू करने का और अल्हम्दुलिल्लाह आज दस हजार से ऊपर लोग हैं जो हमारे साथ मुंसलिक हैं और अपना अपना घर चला रहे हैं ठीक है तो इसमें अब रूहानियत को आप ले लें तो एक ही बात है कि जो भी आपके पास आता है जिसको आप जो हमारे साथ जुड़ा उसकी जो भी कमियाँ थीं जो उसकी बिजनेस वो जो हम आ, इंटरनेट का बिजनेस करते हैं उसके लिए जो उसकी जरूरतें थी वो हमारी कंपनी ने कोशिश करके पूरी की और हमेशा ये सोचा कि इसको इसके पास इतनी अर्निंग हो जानी चाहिए कि इसका अपना घर चलना शुरू हो जाए जब इसका घर चलेगा तो ये हमारे लिए काम करेगा अगर इसका घर नहीं चलेगा तो ये अपने लिए ही भटकता रहेगा सही सही बड़ा मुख्तर मैंने आपको बता दिया बड़ा सीधा सा काम था इसी पे मैंने तो दीन खुद ही ठीक हो जाएगा दुनिया ठीक करो दुनिया खुद ही ठीक हो जाएगी ठीक है अच्छा एक और सवाल जो मेरे जहन में था मैं आते हुए यहाँ पर रास्ते में भी सोच रही थी मैं आपसे पूछूंगी अक्सर लोग जब रूहानियत के बारे में बात करते हैं तस्व तो के बारे में बात करते हैं तो पूछते हैं पहला सवाल जो होता है वो होता है कौन से सिलसिले से हो अब जो बाकी लोग जो नहीं इतना ज़्यादा जानते हैं रूहानियत को वो ये समझते हैं कि शायद फ़िरके हैं सिलसिले एक्चुअली क्या हैं सिलसिले असल में बुजुर्गों ने जो अपनी कुर्बानियाँ दी काम किए अब इस्लाम पे काम इस्लाम के लिए काम किया लोगों को इकट्ठा किया और उनके जाने के बाद जो बाकी लोग थे उन्होंने उन्हीं के नाम से उस काम को जारी रखा तो वो उसको सिलसिला कहते हैं उनके नाम से शुरू होने वाला काम उनके नाम को जिंदा रखने के लिए उन्होंने जैसे शुकुरी सिलसिला है या नक्शबंदी सिलसिला है इसी तरह वो बुजुर्ग थे जिन्होंने काम किया और उनके साथ जो काम करने वाले थे उन्होंने उनके नाम को जिंदा रखने के लिए ये नाम बना दिए इसके वैसे तो उसके बाद फिर ये सब लोग सारे सिलसिले वाले ये भी कहते हैं कि सिलसिला एक ही है कादरी सारे उसी से निकले हाँ। तो जब कादरी एक ही सिलसिला है तो असल में सारे ही कादरी हैं और सारे उस कादर के हैं तो इसलिए ज़्यादा मतलब वो इसमें जो लोग उलझ जाते हैं या इसमें फंस जाते हैं उनके रास्ते लंबे हो जाते हैं इनसे हट जाना चाहिए इनको मतलब सिलसिलों को इतना जो है ना अहमियत नहीं देनी चाहिए आप अपने बुजुर्गों ने जो आपको सिखाया है जो काम वो बताते हैं उस पर अमल करके दिखाओ तो यही काम है असल में सिर्फ सिलसिलों का झंडा ऊंचा रखने के लिए आप काम कुछ भी करते रहें तो ये कोई इसका कोई फ़ायदा नहीं है सही सही फ़ायदा सिर्फ इसी में है कि आपको बताया गया है कि आप असल में जब आप किसी बुज़ुर्ग के पास जाते हैं या आप ये तसवु में कहते हैं या सिलसिले में कहते हैं किसी में जाते हैं तो जब आप वहाँ से बाहर होते हैं जब भी आपको जब भी दुनिया को पता होना चाहिए कि आप किसी के ताबेदार हैं असल में जब आप किसी के ताबेदार नहीं रहते तो आप अपनी मर्जी करते हैं तो फिर आप गलतियाँ भी करते हैं असल में जब बुजुर्गों के पास जाते हैं तो वो आपको यही सिखाते हैं ना कि आप झूठ नहीं बोलना नमाज पढ़ना किसी को धोखा नहीं देना किसी का हक नहीं खाना जब आप ये काम उनके पास बैठ के तो मान लेते हैं तो अगर बाहर आके नहीं करते तो वहाँ ना आपका जाने का फायदा ना बाहर जाने का बाबा जी ये भी बड़ा एक मिसकनसेप्शन है लोगों के जहनों में कि जो बुजुर्ग होते हैं वो शायद हमें कुछ और सिखा रहे हैं मैं उनको ये बताना चाहती हूँ आप भी ये बताएं कि वो सारे बुज़ुर्ग जो जिनके पास हम जाते हैं या जिनसे फैज़ हासिल करना चाहते हैं या जिनकी सोबत में हम रहते हैं वो सारे हमें खुदा से ही मिला रहे होते हैं वो तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं है असल में जब भी आप किसी के पास जाते हैं तो वो तो आपको यही बताते हैं कि जब कोई भी पीर किसी को मुरीद करता है ना उसके दो सवाल होते हैं नमाज पढ़ने की कोशिश करना और अपने माँ बाप का अदब करना सही कोशिश करना झूठ ना बोलो उनको भी पता है इस दुनिया में जो इस वक्त हालात चल रहे हैं झूठ भी बोलना पड़ता है और नमाज भी छूट जाती है तो वह पाबंदी नहीं लगाते वरना वो ये समझते हैं कि अगर ये हम पाबंदी लगा देंगे तो हमारा मुरीद गुनागार हो जाएगा इसलिए वो कोशिश करते वो कोशिश का कहते हैं कि आप इसकी कोशिश करो और जो फिर मुरीद हो जाता है वो फिर कोशिश नहीं करता वो अमल करना शुरू करता सही बाबा जी एक आखिरी सवाल सोहबत और फैज़ क्या है जब आपको दुनिया की चीजें समझ आने लग जाए जब आप ये समझो कि आप अंदर से कोई भी काम करने के बाद मुतम हो इसको फैज कहते हैं। अगर आप मुतमिन नहीं हो तो फिर आप यही समझेंगे कि आप जहां भी गई या जिसके जिससे मिली आपको फैज नहीं मिला फैज क्या है आपके इतमान का नाम फैज है बड़ा छोटी सी बात और है सोबत? सोबत जो है वो तो बड़ा एक लंबा चैप्टर है कि आपको जब जैसे लोगों में आप बैठोगी, जैसे लोगों में आप रहोगे वैसे वैसे आप आपके आपके ऊपर वो असरात होने चाहिए आपने देखा होगा कि अक्सर लोग जब अपने पीर साहब के पास जाते हैं तो एक अरसे के बाद आपको पीर साहब की और उनकी शकल भी एक होने लग जाती है उसकी मैं दूसरी मिसाल भी दे सकता हूँ मियाँ बीवी भी, भी, भी जब एक अरसा तक जो है ना इकट्ठे रहते हैं ना तो देखने वाले शक्ने मिलने लग आ, जाती है तो ये सोबत के असरा होते हैं सही सही थैंक यू सो मच बाबा जी और मुझे उम्मीद है आप सबने मेरे साथ मिलके बहुत कुछ सीखा होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप भी याब हुए हैं तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि मैं मजीद बाबा जी के साथ हर हफ्ते आपके सामने सेशंस लेकर आऊँ शुक्रिया